दिल्ली में अभी तक कुल मिलाकर 17,386 केसेज हैं, जिसमें से पिछले 24 घंटे में जो केस हैं वो 1,106 केसेज ऐड हुए हैं, और दिल्ली में लगभग 7,846 लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, जिसमें 351 लोग कल ठीक हुए हैं। सर, अचानक से आंकड़े बढ़ने के पीछे क्या वजह है? नहीं, देखिएगा, बेस बड़ा हो रहा है। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो डबलिंग रेट है दिल्ली में आज भी 13 और 14 दिन के बीच में है, और ये लगातार काफ़ी दिनों से 14 दिन के करीब बना हुआ है, पिछले 1-1.5 महीने से। उससे पहले डबलिंग रेट 7 दिन में था, तो 7 दिन से 14 दिन पे आया, और अभी 14 दिन पे स्टेबल है। देश का भी लगभग डबलिंग रेट 14 के आसपास है, कि यानी डबलिंग रेट का मतलब कितने दिनों में केस डबल हो रहे हैं। तो अभी क्योंकि इन्फेक्शन डिक्लाइन पर नहीं आया है, ये जो कोरोना का इन्फेक्शन है अभी डिक्लाइन पर स्टार्ट नहीं हुआ है हमारे देश में। अभी जब तक डिक्लाइन पर नहीं आएगा तब तक लगता है 14 दिन चलेगा। सर, आपने ये कहा कि केसेस हैं उसमें कुछ केसेस जो हैं वो पुराने हैं, जैसे कि सफदरजंग की जो रिपोर्ट है वो बाद में आई है, क्या वजह रही है नहीं, इनके? केसेस की बात नहीं, डेथ की बात आ रहा जी, है। डेथ की। डेथ के अंदर क्या है कि 27 तारीख के 13 केसेज हैं जिनकी डेथ 27 तारीख को हुई थी, और सफदरजंग ने 2 दिन पहले 52 डेथ, जो कि पिछले लगभग 34 दिनों में अलग अलग डेट्स पे डेथ हुई है, उनकी लिस्ट भेजी थी हमारे को, जिसको हमने काउंट किया है कल की उसमें। सर, क्या कम्युनिटी स्प्रेड भी कोई एक वजह मान सकते हैं इसकी? ऐसा हो रहा है कम्युनिटी स्प्रेड? देखिएगा, स्प्रेड हो तो रहा ही है कहीं ना कहीं से, तो जिस भी भाई लोगों के आपस में मिलने जुलने से, और जैसे होता है ना, एक इंसान को जिसको हुआ तो वो ठीक होने से पहले अगर 2 लोगों को इन्फेक्ट करता है या एक को इन्फेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है। अगर वो 2 से भी कम लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कम हो रहा है। तो एक आदमी जो भी इन्फेक्ट हुआ, 2 को तो इन्फेक्ट कर ही रहा है अभी। सर, अगर फिलहाल चल रहा है, आगे भी शायद लॉकडाउन हो या ना हो, तो अमित शाह जी के साथ आप लोगों की जो बैठक हुई, दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं? देखिएगा, अभी तो 2 दिन बाकी हैं, आपको 31 की नाइट तक सारा बता दिया जाएगा। परंतु दिल्ली सरकार का मानना है कि अभी कुछ चीज़ें जैसे कि सिनेमा हॉल्स हैं या जहाँ पर बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, वो उनको भी स्टार्ट ना किया जाए, कि गैदरिंग वाले प्लेसेस को भी रोका जाए, और स्कूल कॉलेज भी अभी ना खोले जाए। सर, क्या आप लोग मेजर कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन 4 में काफी सारी चीजें खुली और केसेस भी निश्चित तौर पर बढ़े हैं, तो उसको मेजर करते हुए आगे की रणनीति आप लोग तय करेंगे कि देखो, लॉकडाउन 5 में किस तरीके की जो चीजें हैं वो खोली जाए ना जाए, या फिर एक बार फिर जनता से ओपिनियन लेंगे जैसे कि आप लोगों ने लॉकडाउन 4 में किया था? मैं एक चीज बताता हूँ, जब लॉकडाउन लगाया गया था ना, किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। तब तक ये पता नहीं था ये बिहेव कैसे करेगा वायरस। सब ये लोग कह रहे थे कि गर्मी से सेंसिटिव है ये, गर्मी आएंगी तो खत्म हो जाएगा। तो मानते थे कि 36 या 37 डिग्री टेम्परेचर जब दिल्ली में पहुंचेगा, देश में पहुंचेगा, तो खत्म हो जाएगा। 37 नहीं, 47 पहुंच गया, खत्म तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब गर्मी से ये ऐसे नहीं जा रहा। दूसरी बात ये कि जो बढ़ रहा है तो हर जगह ही बढ़ रहा है। तो अब ये मान के चलिएगा, ये जाने वाला 2-3 महीने वाली चीज़ नहीं थी, अब इसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल चले, 1 साल चले, 3 साल चले, तो कोरोना भी रहेगा, हमें भी इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। और 3 चीज़ें बार बार हम बता रहे हैं, अगर पब्लिक में आप निकलते हैं, आप फेस मास्क लगाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, और अपने हाथों को बार बार धोइएगा। तो मुझे लगता है इन 3 चीज़ों से भी काफ़ी हद तक कोरोना से बचा जा सकता है।